जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएसआई के आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। आपको बता दें हमने जनहित याचिकाएं लगभग दोस्तों 60+ जनहित याचिकाएं हमने पढ़ा दी, और पढ़ाई क्या हमने रटा भी दिया है तुरंत के तुरंत, ठीक है। और उसका ना रीजनिंग में भी हमने बहुत कुछ पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, एसआई से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। तो आज हम देखिए, पहले हमने इसका पूरा संपूर्ण वीडियो लाए थे दोस्तों, आज हम इसका टेस्ट लेके आए हैं। देखिए टेस्ट में वही क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो कि पिछली बार, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर था यूपीएसआई का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि जो ट्रैफिक सैंपल है दोस्तों, इससे हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2.5 नंबर आपका यहीं से पक्का हो गया था, ठीक है। तो आज देखेंगे सारे सारे सैंपल जो कि पिछली बार पूछे गए थे दोस्तों, उसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और बता दें कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप जाइए प्ले स्टोर, वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों मिशन एसआई, मिशन यूपीएसआई 2021 के नाम से फोल्डर हमने बना दिया है, उसमें स्पेशल यूपीएसआई के ही बारे में हमने बताया है, पढ़ाया है। चलिए शुरू करते हैं, अगर सेक्शन पसंद आया दोस्तों तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा दोस्तों। देखिए कब पूछा गया था आपको बता दें, 12 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 12 दिसंबर 2017 को पूछा गया क्वेश्चन यूपीएसआई बैच का, ठीक, फर्स्ट बैच का। तो देखिए इसका सैंपल क्या होता है, तो इसका सैंपल आपको बताना है। पहला है ऑप्शन की आगे रास्ता मुड़ेगा, दूसरा है आगे दूसरे रास्ते से और गाड़ियां जुड़ेंगी, या फिर दोस्तों आगे सुरंग है, या फिर आगे रोड पतली है दोस्तों, या फिर आगे सड़क क्या है, पतली है। देखिए दोस्तों इसको हम अगर देखते हैं, देखिए एक ऐसे है और एक ऐसे करके फिर ऐसे गई है, इसका मतलब देखिए इधर से हम चलना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक क्या चौड़ी रोड है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सकरी कर दिया, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सकरी कर दिया, यहाँ देखिए यहाँ तक चौड़ी थी और फिर आगे क्या सकरी कर दी, इसका समझ सकते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि आगे सड़क क्या है, पतली है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। देखिए 12 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन तक चलते दोस्तों, कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होता है। देखिए जहां पे ये रेड कलर लगा होता है दोस्तों और ऐसे बना होता है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है, खतरा, रुकिए, नो पार्किंग, या फिर दोस्तों संरक्षित क्षेत्र। देखिए ये 16 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता है ये अगर पूरा रेड होता दोस्तों, इस तरह से बना होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इस पर आपको पता होगा स्टॉप लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, रुकिए। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए नो पार्किंग कैसे बनता है आपको बताओ, पी लिख के, ठीक है, पी होता गोले के अंदर, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, मतलब नो पार्किंग का हो जाता है वो, ठीक। तो ये भी आप याद रख लेंगे, जहां पे गाड़ियां खड़ी करने का अनुमति नहीं होती वहां पे दोस्तों पी लिख के, है ना। तो सी ऑप्शन क्या होता, क्या होना चाहिए था दोस्तों, पी लिख के अगर ऐसे क्रॉस होता सी ऑप्शन से होता दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, रुकिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगला सैंपल कौन सा है, देखिए ये है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होगा। देखिए इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, देखिए यूपीएसआई 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, कब को दोस्तों, 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, 13-7 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब देखिए पहला है बाएं से आ रहे वाहन को रास्ता दे, दोस्तों बिल्कुल गलत है ये, गोल रास्ता, देखिए गोल रास्ता हो भी सकता था, मगर दोस्तों गोल रास्ता क्या होता है ये देखिए समझिएगा। और अगला है सभी, ठीक, गोल रास्ता होता है ऐसे ऐसे, है ना, मगर दोस्तों सभी दिशाओं में वाहन आ रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए आगे रास्ता घूमकर, देखिए यहां से जा रहे हो तो आगे रास्ता क्या, घूम के ही तो है ये, देखिए दर्शा रहा, ये फिर घूमा, फिर ये घूमा, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं क्या है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि आगे रास्ता क्या है दोस्तों, घूम कर है, ठीक है। या फिर गोल चक्कर होता तो वो भी सही हो जाता दोस्तों, यहाँ गोल रास्ता कह सकते दोस्तों, मगर ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन का क्या हमारा चौथा क्वेश्चन, अब देखिए ये क्या है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा। देखिए कब पूछा गया, तो 14 तारीख को पूछा गया है क्वेश्चन है, 14 तारीख को। देखिए अब बताइए कि इसका सैंपल क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, कि पहला ऑप्शन से आगे खतरनाक ढलान है, या आगे तेज घुमावदार, आगे रास्ते घुमावदार हैं, या आगे मोड़ मोड़ है दोस्तों, दो मोड़ है दोस्तों, यानी कि पहला बाई तरफ, ठीक है, और दूसरा है धीरे चलिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आगे दो मोड़ है, मतलब क्या है, पहला बाई तरफ है। देखिए पहला क्या है दोस्तों, पहला बाई तरफ है ना, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, आगे दो मोड़ है, ठीक है, मोड़ नहीं मोड़ है, ठीक, यहाँ पे मोड़ होना चाहिए था, आगे दो मोड़ है जिसमें से पहला क्या है, बाई तरफ है। देखिए पहला यहाँ चल रहे हैं तो इधर बाई तरफ तो मुड़ रहे हैं ना, फिर सीधा चल गए, तो ये चीज सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक, क्या हो जाएगा, आगा अगला हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है दोस्तों, मतलब अनुमानित नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आपका 14 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन है, परिवेष्टन सूचक या फिर संशोधित अनुमान सूचक या फिर संपाति सूचक या फिर प्रमुख संकेतक दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा परिवेष्टन सूचक दोस्तों, परिवेष्टन सूचक दोस्तों, है ना। ये क्या करता दोस्तों, ये लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। चलिए आगे देखते दोस्तों, आगे क्या कहा गया हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। अगला देखते दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होगा, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बताना है। देखिए कब पूछा गया, 14 दिसंबर को पूछा गया। और देखिए इसका मतलब क्या है, सड़क नीचे जाती है या फिर आगे सपाट रास्ता है या आगे अवरोध है या फिर आगे सकरा पुल। देखिए सकरा पुल कैसे बनता है, आपको बता दें कि सकरा पुल का सैंपल ऐसे बनता है ना, ऐसे दोस्तों, ये ब्रेकर को उल्टा करके आप इसको सकरा पुल बना सकते हैं। ठीक है, नैरो ब्रिज है ना, ऐसे इस तरह से बनता है, अगर ये वाला ज्यादा बेटर होता है ना, इस तरह सकरा पुल होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे सपाट रास्ता दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका अगर सही अर्थ निकाले दोस्तों, इसका क्या होगा कि खतरनाक गहराई से, है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, आगे खतरनाक गहराई है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे अवरोध है, अवरोध तो आपको पता है ब्रेकर टाइप के ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। आगे सपाट रास्ता, सपाट है नहीं दोस्तों, सड़क नीचे जाती है दोस्तों, सड़क नीचे, इसका जाना सड़क नीचे नहीं होगा। अगर देखिए अगर इसका ऑप्शन मानते रहे तो दोस्तों ए होना चाहिए, और नहीं दोस्तों इसके आपको पता है कि इसको इसके सारे सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, खतरनाक गहराई। आगे क्या है, खतरनाक गहराई। देखिए आगे क्या है दोस्तों, ये खतरनाक गहराई से लग रहे ना, तो आगे क्या है, खतरनाक गहराई है। ठीक है, तो ये चीज सही होना चाहिए था, मगर दोस्तों इसमें अगर ये ऑप्शन भी लगाते हैं आप तब भी थोड़ा बहुत सही, क्योंकि नीचे आगे सड़क क्या नीचे जाती है ना, तो ये भी थोड़ा सही हो सकता था ना, ये ऑप्शन हम इसमें कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस प्रतीक का अर्थ क्या होता है। देखिए ये क्या है दोस्तों, टी आकृति के है। ठीक है, टी आकृति का इसका मतलब क्या होता है, रास्ता बंद है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब देखिए यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ जा सकते हैं ना, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। आगे रास्ता नहीं है दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इधर तो मुड़ जाएंगे ना। आगे संकेतक है दोस्तों, ये इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो दोस्तों रास्ता क्या है, टी जंक्शन है। टी जंक्शन मतलब क्या होता है, तिराहा टाइप। ये देखिए इधर से भी एक रास्ता जाएगी और इधर से जाकर के इसी मिल जाएगा रास्ता। ठीक है, मगर ये रास्ता जाकर यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं निकलेगी। अगर आगे निकलेगी दोस्तों तो चौराहा हो जाएगा ना, तो दोस्तों ये चीज आप समझिएगा। यहीं पर देखिए एक रास्ता ये जा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मार्ग है, और देखिए मान लिया कोई एनएच हाईवे है ना, और इस पे जाके गांव वाली कोई छोटी सी रास्ता मुड़ यहाँ पे जाकर के इसमें लग गई दोस्तों। इस बीच को हम क्या बोलते हैं, ये तिराहा बोलते हैं ना, तिराहा, तीन राहों का मिश्रण। तो इसी को दोस्तों टी आकृति में देखिए बनेगा, तो क्या हो जाएगा, टी जंक्शन। ठीक है, आपको पता है दोस्तों वाई जंक्शन भी होते हैं। ठीक, वाई जंक्शन भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों एक रास्ता जाता है आगे और दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो तरफ चला जाता है, दाएँ बाएँ, है ना, तो दोस्तों वाई जंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, जंक्शन भी जो आकृति में लिखे होंगे वही एकदम सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, इसको टी जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 15 तारीख को पूछा गया। अब देखिए इसका प्रतीक क्या होगा, देखिए आपको दिख रहा है दोस्तों कि इसका प्रतीक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतीक क्या होगा, आगे आसमान सड़क है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अग्रेसित स्तर को आगे बढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अजीब स्तर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। और खराब सड़क आगे, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या दोस्तों, ये देखिए रेल बनी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को प्रदर्शित कर रहा, मतलब कि मानव रहित दोस्तों, अपने आप सिंपल वाला ना दोस्तों, ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का ये सैंपल है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसमें से चारों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। ठीक है, और इसके पूरे नंबर मिले थे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये है, देखिए ये हमने बताया भी था, हमने पढ़ाया भी है बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये क्या कर रहा है, यहां गाड़ी फिसल से रही ना, देखिए ये फिसल से रही ना गाड़ी, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि आगे कई मोड़ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओवरटेक करना मना है, ओवरटेक का कैसा होता है दोस्तों, ये होता है ऐसे बनाते हैं तीर, और एक तीर को घुमा के बना देते हैं ऐसे। ठीक, और यहां पर ऐसे खींच देंगे, इसका मतलब क्या, ओवरटेक करना मना है। ठीक है, और ठीक है, तो ये ओवरटेक का हो नहीं सकता दोस्तों। और आगे रास्ता फिसलनदार दोस्तों, बिल्कुल सही, क्या आगे रास्ता फिसलनदार है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और 15 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है, 15 दिसंबर का। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इस यातायात का प्रतीक क्या होगा, इस यातायात का क्या नंबर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए यूपीएससी 15 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि आगे कंपन पट्टी है या आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है या आगे दो गति अवरोध है या आगे रास्ता पहाड़ी का है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है देख के, ठीक है, इसमें आपको क्या लग रहा है आगे देख के कि दोस्तों ऐसे हमें लग रहा है कि क्या है, उबड़ खाबड़ जैसा ऐसा लग, देखिए उबड़ खाबड़ सा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आगे उबड़ खाबड़ है। क्या है रास्ता, आगे उबड़ खाबड़ मतलब समतल नहीं है। ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों।
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ होगा दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब देखिए आपको मैंने बताया था दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, अगर त्रिभुज जैसा बना होता है इसका मतलब, तो दोस्तों इसका मतलब होता है रास्ता दो, ठीक है रास्ता दो। ठीक है एक चीज आपको बताना होगा दोस्तों, ठीक है इसका मतलब होता है रास्ता देना है ना, रास्ता दीजिए, और दोस्तों अगर ये बना दिया गया तो मतलब आगे रास्ता दो है ना, आगे जाने दो, यानी आगे जाने दो, तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, आगे जाने दो, केवल यही सिंबल होता दोस्तों, तो रास्ता दे है ना, रास्ता देना होता। अब देखिए इसको सीधा कर दिया गया और ऊपर दोस्तों ऐसा एरो लगा देगा, मतलब आगे जाने दो, आगे जाने दो ना, आगे रास्ता दीजिए ना, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो चलिए आपका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब देखिए समझिएगा, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या होगा, अब देखिए इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या होगा, आगे चौराहा है, आगे अस्पताल है, आगे दवाखाना है, या फिर दुर्घटना प्रणव क्षेत्र है दोस्तों। 19 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, 19 दिसंबर का यूपीएसआई के फर्स्ट बैच में, ठीक है। अब देखिए बहुत बार हम बता चुके दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना है। देखिए इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखिए इसका मतलब लोग डॉक्टर से कह देंगे भैया चिकित्सक है, तो बिल्कुल नहीं, ये चिकित्सक का चिन्ह नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये क्या है, देखिए इधर से रहा रास्ता जा रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब क्या, इस यहाँ पे मिली दोस्तों, यहाँ पे बीच मिल गई, मतलब क्या चार राहों का समूह ना, तो ये क्या होगा चौराहा दोस्तों, ये चौराहा है वो दर्शा रहा है, मतलब आगे क्या है चौराहा। देखिए अस्पताल का दर्शाता है दोस्तों, बेड बना होता है, ठीक है बेड बना होता है बेड, ठीक है यहाँ बेड बना देंगे इसके अंदर दोस्तों, वो अस्पताल दर्शाता ना, समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही क्या होगा, चौराहा, देखिए चौराहा नहीं बना, ये चौराहा तो बना है, चार राहें मिल रही हैं आपस में आकर के, है ना, ये जगह जो आगे चौराहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इस यातायात प्रतीक का क्या विपरीत, देखिए अभी हमने बताया दोस्तों कि जैसे टी जंक्शन का होता है, ऐसे टी जंक्शन हो गया है ना, टी जंक्शन मतलब कि एक रास्ता जा करके दोस्तों एक रास्ते मिल जाती है, यहाँ पे दोस्तों टी जंक्शन ना, टी तरह बन गया। अब दोस्तों हमने बताया कि ये क्या है, वाई जंक्शन है ना, वाई तरह बना ना वाई, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इधर से हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हम खड़े होंगे तो इधर भी रास्ता गया है, एक इधर भी गया, इसका मतलब क्या होता है, एक रास्ता दाहिने जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, बीच वाला खत्म हो जाएगा, मतलब सामने सीधा वाला खत्म होकर एक दाहिने मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या, आगे वाई जंक्शन है, वाई जंक्शन, ठीक है आगे क्या है, वाई जंक्शन। तिराहा को हमने बताया दोस्तों, तिराहा को टी जैसा बना देते हैं, है ना, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 16 तारीख का क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या, 14 नंबर, इस यातायात का क्या अर्थ होगा, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ होगा, देखिए कब पूछा गया, तीसरे बैच में दोस्तों, 16 दिसंबर, तीन शिफ्टों में पेपर चल रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका अर्थ, इस यातायात का अर्थ क्या, बस निषिद्ध दोस्तों, ठीक है बस निषिद्ध, या फिर आगे बस डिपो है, बस स्टॉप है, या बस आ रही है, या बस पार करना मना है मेरे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, यह आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आगे बस डिपो है ना, ये देखिए बना है तो क्या होगा, आगे बस डिपो है। देखिए बस निषिद्ध कैसे होता, अगर बस निषिद्ध का होता दोस्तों तो इसी के अंदर ऐसे लाइन मार देता, तो मतलब बस क्या है, निषिद्ध हो जाता ना, तो तब आपका ये ऑप्शन सही होता, मगर दोस्तों इसमें लाइन नहीं मारा गया, इसका मतलब क्या है, आगे बस डिपो है दोस्तों, कहीं भी बस बनी दिखती है आपको तो ऐसा समझना कि आगे बस डिपो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए 16 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था, 15 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा, देखिए 19 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब क्या है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए साइकिल बना दी गई है और इसको चला दिया गया है, ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों साइकिल चलाने की जगह नहीं, साइकिल चलाने की जगह थोड़ी, तो साइकिल कहीं चला सकते हो, मोटरसाइकिलों का आना मना है, ये भी नहीं होगा। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं आप जब बाहर गए होंगे दोस्तों, तो वहां देखा होगा कई सारे रास्ते बनाए हैं और एक में दोस्तों साइकिल का निशान बना देता है, तो इसका मतलब क्या, वो केवल साइकिल के लिए, तो साइकिल मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए दोस्तों, उसके लिए बना दिया जाता है साइकिल चालक। अब देखिए यहीं पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगर दोस्तों इसी पर लाइन खींच जाते हैं, इसका मतलब क्या, साइकिल ले जाना मना है यहाँ पे ना, फिर साइकिल मना हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, केवल मार्ग किसके लिए है, साइकिल चालकों के लिए। चलिए 19 तारीख को पूछा गया अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अब देखिए ये ट्रैफिक चिन्ह का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बेड बना दिया, हमने बोला भी था दोस्तों अगर बेड कहीं बना मिलता है उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बताइए। देखिए एक चीज़, देखिए बेड जो अस्पताल होता है उसके साथ में प्लस भी लगा होता है, ठीक आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेड के साथ में प्लस भी होगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, आगे फर्नीचर की दुकान है, बिल्कुल नहीं, आवासीय है क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं, अस्पताल है दोस्तों, ठीक है, या फिर विश्राम क्षेत्र, देखिए इसमें दो में आपको समझना होगा दोस्तों, मगर इस चीज़ आप देखिए ये कैसा है दोस्तों, बेड बना है, इसमें प्लस का कुछ निशान नहीं बना है, ठीक, तो दोस्तों ये कहा जाएगा विश्राम स्थल के बारे में बता रहा है, ठीक, और ये आपके 21 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगला है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा, देखिए इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा, 22 दिसंबर को पूछा गया, अब देखिए इसका आपको पता भी होगा,
ठीक, इसका आपको पता भी होगा दोस्तों। देखिए, आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, ठीक है, आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आगे रास्ता नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल नहीं। आगे रेलवे लेवल क्रॉसिंग है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और देखिए, आगे खतरा है दोस्तों, बिल्कुल सही, खतरा निशान होता है दोस्तों। आपको पता हो, बिजली में दोस्तों एक हड्डी बना देते दोस्तों, उसके दो एक खोपड़ी बनाते हैं, उसमें दो हड्डी बनाते हैं, तो वो खतरा होता है दोस्तों। मगर रेल मतलब रोड के लिए क्या होता है दोस्तों, इस तरह निशान क्या होता है, कहीं भी ऐसा अगर आपको बना मिलता है दोस्तों, इसका मतलब आगे खतरा है, ठीक है। चलिए, ये 22 तारीख पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। 18 नंबर का है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इस यातायात संकेत का अर्थ होगा दोस्तों। आपको पता है, मोटरसाइकिल बनी है और कार भी बनी है, तो केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं, ठीक है, केवल गाड़ियां या मोटरसाइकिल आ सकती है दोस्तों। आपको पता, बिल्कुल सही, क्योंकि गाड़ी और मोटरसाइकिल ही बनाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है, केवल यही आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कब पूछा गया, तो 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए इसका, ये देखिए, इस यातायात का चिन्ह का मतलब क्या होगा। देखिए 20 दिसंबर को पूछा गया है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा दोस्तों। आपको पता है, ये बना है, हमने अभी बताया भी था, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सकरी पुलिया, है ना, क्या होता है, सकरी पुलिया। तो आगे सकरा पुल है, आगे पुल क्या है, सकरा है दोस्तों, बिल्कुल सही, आगे सकरा पुल है ना, तो ये चीज आप समझ जाइए। देखिए पुल का क्या होता है दोस्तों, पुल का है ना, ये देखिए क्या है, आगे सकरा पुल, एकदम सकरा, देखिए यहाँ पे एकदम सकरा से बना दिया ना, ये चीज ऐसे होता है, ये पुल का होता है ना, मगर ये क्या एकदम में सकरा कर दे, इसका मतलब क्या है, सकरा पुल है, ठीक है। चलिए 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं दोस्तों, क्या होगा 20वां क्वेश्चन। देखिए ये क्या है दोस्तों, देखिए 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, इस यातायात का क्या मतलब होगा, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा दोस्तों, कि आगे तेज गति यातायात है, बिल्कुल गलत है, आगे यातायात एक तरफा, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ दिखा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोनों तरफ दिखा रहा है, इधर से भी आ सकते हो और इधर को जा भी सकते हो, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब हो जाएगा कि आगे यातायात सीधा दो तरफा है, मतलब किस तरह है, आगे यातायात मतलब दो तरफा है, दोनों तरफ है, सीधा दो तरफा है, तो देखिए दोनों तरफ आ जा रहा है, इधर से जा, देखिए इधर जा रहा है, उधर से आ रहा है ना, तो मतलब दोनों तरफ रास्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या होगा, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ होगा दोस्तों। तीसरे बैच में दोस्तों 20 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है कि आगे खतरनाक सड़क है, या फिर धीरे चले, या फिर दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, या फिर बहुत ढलान। अब आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी, देखिए यहाँ से इधर की तरफ आ रही है, एकदम झुकी हुई है, इसका मतलब क्या, ढलान से चल रही, मतलब ढलान में उतर रही ना, मतलब कि ऊपर ज़्यादा ऊंचा था, नीचे खाली दोस्तों, इस तरफ ढलकती हुई आ रही है, इसका मतलब क्या है, आगे ढलान है, क्या है दोस्तों, आगे ढलान है, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, 22 नंबर। अब देखिए इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो इसका देखिए 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था, 21 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या, एक देखिए किस तरफ को मुड़ा है, देखिए दाहिनी तरफ को मुड़ गया ना, किस तरफ मुड़ा है, दाहिनी तरफ, तो इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए इसके आप जाइए आगे, पूरा रोड खत्म हो गया, देखिए यहाँ पे खत्म है, इधर ही मुड़ना है, मतलब मुड़ना तो इधर ही दाहिनी तरफ है, मतलब अनिवार्य दाहिना मोड़, इसके अलावा आप जाओगे कहाँ भाई, इसके अलावा आप जाओ कहाँ, अगर इसी तरफ को इधर का मोड़ देता दोस्तों इधर, तो अनिवार्य बाई मोड़ है ना। अब देखिए अनिवार्य बाई मोड़, अब देखिए कभी कभार ऐसे क्या होता दोस्तों, समझिएगा, अब मान लिया ऐसे मोड़ता दोस्तों, अनिवार्य बाई मोड़, अब देखिए इसी को सीधा भी निकाल देता, तो मतलब आप बाई तरफ भी मुड़ सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं, दो रास्ते ना, तो ये चीज़ समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य सॉरी अनिवार्य दोस्तों दाहिना मोड़, सॉरी दाहिना मोड़, क्योंकि दाई तरफ मोड़ रहा है ना, दाई तरफ मुड़ना पड़ रहा है, दाई तरफ को दिखा रहा है, तो अनिवार्य दाया मोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दी गई छवि को दर्शाता, क्या दर्शाता दोस्तों, ये देखिए समझिएगा, 22 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, साइकिल नहीं, ये साइकिल पार्किंग, ये केवल साइकिल या फिर हरित के क्षेत्र दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए आपको पहले बता चुके, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, इसका मतलब क्या होता है, केवल साइकिल, क्या केवल और केवल साइकिल दोस्तों, ठीक है। चलिए ये था आज का टेस्ट, आप बताइएगा कि आपके 23 में से, देखिए 23 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।